नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिम गुरुजी। दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने हिमाचल के पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिम गुरुजी में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। ये उन कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम जो है आपके 8 सितंबर को दिया है, उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों, ये गुड न्यूज़ है जो आपके DGP है हिमाचल प्रदेश पुलिस, उन्होंने ये गुड न्यूज़ दी है कि जो आपके 39,259 जो कैंडिडेट है आपके, उन सभी को जो है ग्रेस मार्क दिया जाएगा। ये किस इसमें ग्रेस मार्क दिया जाएगा, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आपको जो है पुलिस एग्ज़ाम में ग्रेस मार्क क्यों मिल रहा है और कितने अंक ग्रेस मार्क में आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी हिम गुरु जी को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं आप वहाँ पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये आज यानी कि 12 सितंबर 2019 को जो आपके सीताराम मड्डी है उनकी एक नोटिफिकेशन है। उन्होंने बताया कि जो पुलिस एग्ज़ाम दिया है उसमें आपको जो है एक नंबर जो है ग्रेस मार्क मिलेगा। ये क्यों मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें बताया गया था कि परीक्षा में पूछे गए जो है 2 सवाल जो है उनके आंसर गलत दिए गए थे, तो इसमें बताया गया कि 2 नहीं उसमें एक क्वेश्चन है वो गलत था, उसका जो है आपको ग्रेस मार्क दिया जाएगा। इसमें डिक्लेयर कर दिया गया है कि आपको एक नंबर जो है सभी कैंडिडेट को ग्रेस मार्क के तौर पर दिया जाएगा। ये थी ग्रेस मार्क की बात। दोस्तों, एक और आपके लिए न्यूज़ आई है कि जो खाली पद है पुलिस डिपार्टमेंट में वो फिर से भरे जाने हैं। कुछ वैकेंसीज होगी जो जल्दी ही पुलिस डिपार्टमेंट उसको नोटिफिकेशन निकालेगी। जल्दी ही पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ और वैकेंसीज आने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी है ये कॉन्स्टेबल की नहीं होगी, ये वैकेंसी आपके जो खाली पद हो गए उनके क्लर्क वगैरह जो भी अदर डिपार्टमेंट होता है तो उसकी जो है वैकेंसी जल्दी से जल्दी निकाल दी जाएगी। इसमें आज SR जो मड्डी है आपके DGP, उन्होंने ये बताया है कि जल्दी ही आपके जो क्लर्क और जो अदर पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी निकाली जाएगी। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।